स्टूडेंट्स, हम अपने लास्ट वीडियो में क्लास 8th SST से रिलेटेड जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है, लेसन 4th के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। लेसन 4th का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज झूमिंग? झूमिंग का मींस क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन आल्सो नोन झूमिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, जो हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 3 टाइप्स ऑफ द मिलेट्स। मिलेट्स के 3 टाइप्स होते हैं, रागी, बाजरा एंड द ज्वार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट 4 लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेजर मेज इन द वर्ल्ड। मेज को प्रोड्यूस करने वाले पूरे वर्ल्ड में 3 मेजर प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं वो कौन सी हैं? नॉर्थ अमेरिका है, ब्राज़ील है और चाइना है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। गोल्डन फाइबर इंडिया में किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। जूट और एक एग्जांपल और होता है कॉटन। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम 2 प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप के एग्जांपल है, जैसे कि जो बागानों में ग्रो की जाती है उसे प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। तो हमारा टी और कॉफ़ी आ जाता है। अभी हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे, अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड द कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग में डिफरेंस क्या होता है? सबसे फर्स्टली हमारा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन मेनली फॉर द कंजप्शन एंड द फार्मर हिमसेल्फ। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग स्मॉल फील्ड्स। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है जिसमें फार्मर्स जो क्रॉप्स को ग्रोन करता है वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के कारण यूज़ में लेता है, और इसमें छोटे छोटे जो लैंड के पीसेज होते हैं उन पे फार्मिंग की जाती है। आर कल्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स, और इसमें फैमिली मेम्बर्स के हेल्प के थ्रू ही कल्टिवेशन की जाती है। और कमर्शियल फार्मिंग, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल। और कमर्शियल का फार्मिंग वो होती है जिसमें क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता है सेलिंग पर्पज़ के हिसाब से, और इसमें बहुत बड़ी फील्ड होती है और मैक्सिमम यूजेज ऑफ मशीन, और मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को इसमें डिफरेंस पूछा है। प्राइमरी एक्टिविटी इन्वॉल्व द एक्सट्रक्शन एंड द प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम लैंड, सॉइल, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एंड सेकेंडरी एक्टिविटी प्रोसेसिंग ऑफ फार्मिंग गुड्स इनटू फिनिश गुड। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है इसमें ही, कि स्टेट द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन के लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या रिक्वायर्ड होती है? लो रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। और सेकेंड पॉइंट है ब्लैक एंड द एलुवियल सॉइल। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसी में कि एनलिस्ट 3 फीचर्स ऑफ द प्लांटेशन। प्लांटेशन क्रॉप के 3 फीचर्स क्या होते हैं? सबसे फर्स्टली है कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग। कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग होती है, कमर्शियलाइजेशन किया जाता है फार्मिंग का। इट मींस अपने कंजप्शन के लिए जो क्रॉप होती है उसे रख लिया जाता है थोड़ा सा, और फिर सेल कर दिया जाता है रेस्ट पार्ट को क्रॉप के। फिर है सेकेंड पॉइंट है लार्ज स्केल फार्मिंग इन ए सिंगल क्रॉप्स। इसमें एक सिंगल क्रॉप की ही लार्ज स्केल पर फार्मिंग होती है। मैक्सिमम यूज़ ऑफ लेबर एंड द कैपिटल। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल और लेबर का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन आंसर हमारे लास्ट वीडियो में यहीं फिनिश हुए हैं, जो कि क्लास 8th SST से रिलेटेड ज्योग्राफी का लेसन है, लेसन 4th के क्वेश्चन आंसर और लास्ट वीडियो।